हेलो दोस्तों, हमारे चैनल राहुल सीए में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल से ही ट्रेन टिकट कैसे बुक करना है। तो दोस्तों, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है हमने उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम यहां पर IRCTC टाइप करके सर्च कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने IRCTC का ऐप आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने यह ऐप पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो दोस्तों, हम यहां से ओपन करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे सामने ऐप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम इसे ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा IRCTC का ऐप ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, हम यहाँ लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिल करेंगे। आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख करके अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर फिल करेंगे। करने के बाद दोस्तों, हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा जो IRCTC का ऐप है लॉगिन हो रहा है। हम यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर रिमेंबर पिन दिया गया है। तो दोस्तों, हमने जो पिन डाला है वह पिन इस ऐप को यूज करने के लिए दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पर ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, ऑर्डर फूड, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेन टिकट कैसे बुक करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ट्रेन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बुक टिकट दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉम और टू का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, आप जिस भी प्लेस से जाना चाहते हैं, आप यहाँ फ्रॉम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप उस प्लेस का नाम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस प्लेस पे जाना चाहते हैं, उस प्लेस को आप टू में सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों, हमें दिल्ली जाना है, तो दोस्तों, हम यहाँ पर दिल्ली ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम जनरल टिकट बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें किस डेट को जाना है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें जैसे 18 नवंबर को जाना है, तो दोस्तों, हम 18 नवंबर यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरीके से ट्रेन लिस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, हम जिस भी ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं, जैसे कि स्लीपर, 3E यानी कि बिजनेस क्लास, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, जिस भी क्लास का टिकट बुक करना चाहते हैं, तो दोस्तों, हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों, आज हम स्लीपर का टिकट बुक करना चाहते हैं, तो दोस्तों, हम यहाँ स्लीपर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेन सीट कितना खाली है यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे। तो दोस्तों, आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री हो जाने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहां ऐड न्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, जिस व्यक्ति को जाना है उसका नाम आप यहां पर फिल करेंगे, उसकी एज कितनी है आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहां पर जेंडर का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेशनैलिटी जो है हमारा पहले से ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ से लोअर, मिडिल, अपर साइड, साइड अपर यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका नाम ऐड हो जाएगा। तो अगर आप और किसी व्यक्ति का नाम फिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप उसका भी नाम फिल करके उसकी एज यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका नाम ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पैसेंजर का जो मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर बुक ओनली कंफर्म अलॉट पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों, हम जो टिकट बुक करेंगे वह हमेशा के लिए कन्फर्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम यहाँ पर निशान नहीं लगाते हैं, तो दोस्तों, हमारा जो टिकट है स्लीपर के बजाय AC में कर दिया जाता है, जब उसमें सीट खाली होती है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट मोड दिया गया है। तो दोस्तों, आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट,
तो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। अन्यथा दोस्तों आप यहाँ पर पे थॉट भीम UPI या फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस दिया गया है तो दोस्तों आप यहाँ पर यस ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे सामने जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सिलेक्ट करके पे पर क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यदि दोस्तों आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर पेटीएम का नंबर फिल कर दीजिएगा। करना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपना नंबर डालने के बाद @YBL क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई VPA पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पे पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके फ़ोन पे पर एक नोटिफिकेशन जाएगा तो दोस्तों आप वहां पर जा करके पेमेंट कर दीजिएगा तो दोस्तों आपका जो टिकट है वह बुक हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल राहुल CA को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।